पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, जिसकी तकरीबन 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। अक्सर औकात माश कमाने के लिए लोग गांव से शहर और एक शहर से दूसरे शहर की तरफ सफर करते हैं। रोजी की तलाश उन्हें बास औकात बैरूने मुल्क भी ले जाती है। बेहतर मुस्तकबिल और माश की तलाश के दौरान कुछ जराइम पेशा अफराद भी मुतहर्रिक हो जाते हैं, जो लोगों की मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाते हैं। इसी तरह नाजायज फायदा उठाने का एक गैर कानूनी और काबिले सजा अमल इंसानी स्मगलिंग है। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए इस जुर्म को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी फर्द अगर किसी को इस्तेहसाल और जबरदस्ती की नीयत से इस्तेमाल करता है तो ये जुर्म इंसानी स्मगलिंग कहलाता है। इस जुर्म से बच्चे, नौजवान मर्द, ख्वातीन और ख्वाजा सरा सभी मुतासर होते हैं। इसकी एक बड़ी वजह इनकी माशी और समाजी मजबूरियां होती हैं। कुदरती आफात, तनाजात के बुहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम भी लोगों के इस्तेहसाल के खतरे में इजाफे का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से लोग इंसानी स्मगलरों के तालीम और मुलाजमत के झूठे धोखों का शिकार हो जाते हैं। इंसानी स्मगलर्स ये घिनौना जुर्म इनफरादी सतह पर या एक मुनज्जम ग्रोह की शक्ल में करते हैं। इंसानी स्मगलिंग की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, खासकर जबरी मुशक्कत, जबरदस्ती भीख मंगवाना, किसी को जबरदस्ती या धोखे से जिस्मानी औजार निकालने पर मजबूर करना और जिंसी इस्तेहसाल। मसलन इंसानी स्मगलिंग से मुतासरा अफराद बशमूल बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करना, ख्वातीन और लड़कियों को फरेब और जबरदस्ती जिंसी तजारत और घरेलू काम करने पर मजबूर करना। Human trafficking is a misunderstood concept in Pakistan still. Human trafficking primarily deals with the forced labor and commercial sexual activity by any criminal syndicate. तो उसमें सबसे important role police का है। पुलिस ने एक साल अगर देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान को टीयर टू वॉच लिस्ट से टीयर टू में इसकी इम्प्रूवमेंट हुई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और दूसरे नंबर पे देर इज़ नीड टू इम्प्रूव कन्विक्शन एंड प्रोसिक्यूशन। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि इट इज़ नॉट जॉब ऑफ ओनली जॉब ऑफ पुलिस एंड FIA, इट इज़ द जॉब ऑफ एवरीवन इन द सोसाइटी। तारिकीने वतन की स्मगलिंग क्या है? इंसानी स्मगलिंग की तरह तारिकीने वतन की स्मगलिंग भी आलमी और वसी पैमाने पर होने वाला एक संगीन और काबिले सजा जुर्म है। जब किसी फर्द को जमीनी, बहरी या फिजाई रास्ते से किसी दूसरे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल कराया जाता है तो ये अमल तारिकीने वतन की स्मगलिंग कहलाता है, और इस जुर्म को करने वाले तारिकीने वतन के स्मगलर्स कहलाते हैं। वो अफराद जो एक दफा बैरूने मुल्क स्मगल हो जाते हैं तो उन स्मगल शुदा अफराद को मुतल्लिका मुल्क में इंसानी स्मगलरों से मजीद इस्तेहसाल का खतरा होता है। पाकिस्तानी कवानीन के तहत इंसानी स्मगलिंग एक संगीन और काबिले सजा जुर्म है। इसमें मुलविस किरदारों के लिए सख्त सजाएं हैं। इस सिलसिले में इन जराइम की रोकथाम और इंसानी जिंदगियों के बचाव के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना है। मुतासरा अफराद को क्या करना चाहिए? मुतासरा अफराद रिपोर्ट कराते वक्त घबराए नहीं, क्योंकि वो मुजरिम नहीं बल्कि मुतासरा हैं। इसलिए बिला झिझक पुलिस हेल्पलाइन 15 या FIA हेल्पलाइन 1991 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं या मुकामी पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराएं। आपकी इस शिकायत से मुमकिना तौर पर मजीद कई लोग तारिकीने वतन की स्मगलिंग से बच सकते हैं। तारिकीने वतन की स्मगलिंग, समझें, बचें, रोकें।